लिंगी है और लय शब्द जो है वो पुल्लिंगी है। तो
लिंग का जो है सामंजस्य से बैठाने के लिए मैं यहां पर भंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसा स्वयं आचार्य श्री ने अपने भाष्य में कहा। चित सत्ता का अविरत स्पंदन, चित सत्ता का अविरत स्पंदन तन को चेतन बना रहा है। अलंकार कहां है? तन को चेतन बना रहा है। यहां तो ये कविता ऐसी है, शरीर जड़ है उसे चिदात्मा स्वयं सचेतन बना रहा है। शरीर जड़ है उसे चिदात्मा स्वयं सचेतन बना रहा है। चित सत्ता का अविरत स्पंदन तन को चेतन बना रहा है। तो कोई सीमा ही नहीं है, ना ही पारावारा, गुरु से उपकारा, गुरु की जो कृपा है, जो गुरु गुरु की कृपा है उसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे बीच में प्रारब्ध आए, चाहे बीच में भाग्य आए, चाहे बीच में नियति आए, हमारे भाग्य में चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन एक बात गुरु ने अगर सदगुरु ने अगर निश्चित कर लिया तो उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। प्रभु चरित चरितार्थ में एक उल्लेख है कि प्रारब्ध किति हि बलवत्तर असरे जरे खबरदार तुझा पुढे के वीत गणार सामर्थ्य पार तुझा सदा निरक्षर Oh,
काशी पुराणेश्वरी भिक्षान्ते